बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 रेटोस्टैटिक का जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के नेक्स्ट टू टाइप्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था फिक्स्ड कैपेसिटर को, फिक्स्ड कैपेसिटर्स। इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, एक फिक्स कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है कि इनका एरिया जो है वो फिक्स होता है। मींस कि आप लोग जो है वो सर्कल में जब इन्हें यूज़ करते हैं तो आप लोग इनकी कैपेसिटेंस को जो वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के कैपेसिटर, इसे आप लोगों ने सर्कल में ज्वाइन किया, ये मेटल प्लेस है सर्कल में ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आप लोग इन मेटल प्लेस का जो एरिया है वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अब जो है इनकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, इनकी कैपेसिटेंस फिक्स होगी। लेकिन मेरी इसके हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी पेपर कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर, लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है, वेरिएबल से पता चल रहा है चेंजेबल, मींस कि इसमें जो है वो एरिया जो है वो चेंज किया जा सकता है। एरिया जो है वो चेंजेबल होता है, मींस वेरिएबल होता है। आप जो है वो प्लेट्स का एरिया जो है वो चेंज कर सकते हैं इस ड्यूरिंग सर्कल, मींस सर्कल के अंदर जब आप लोग कैपेसिटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेट्स का एरिया चेंज कर लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कैपेसिटर जो वो आप बना सकते हैं। इसमें भी दो प्लेट्स होती है, एक प्लेट जो है वो फिक्स होती है, प्लेट वन जो है वो फिक्स होगी, ये फिक्स्ड होगी, इसका एरिया जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आप लोगों की सेकंड प्लेट होती है वो आप लोगों की रोटेटेबल होती है, रोटेटेबल मीन्स आप लोग इसका जो एरिया वो चेंज कर सकते हैं। इसके अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से होती हैं, ये हमारी अगर ये प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, इसके पीछे ही जो वो सेकंड प्लेट होगी इस तरह से, और उसके पीछे जो है वो अब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, वो एयर होगी। यहाँ पे जो एयर है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक जो है वो यूज़ होता है, डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर जो एयर जो है वो यूज़ होती है। इसी अब जब हम लोग इसे सर्कल के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा। ओबियसली जब आप लोग इसे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, आप लोगों के इसके पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा और इंडक्शन की वजह से आपकी जो पीछे की प्लेट होगी जो सीरीज़ में लगी हुई उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। इस तरह से जो वो आप लोग प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज डिवेल्प कर लेंगे। अब जो है प्लेट्स का जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके ऊपर चार्ज जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। तो अब लेकिन अगर आप लोगों को जो है वो इसकी अमाउंट कम करना चाहते हैं चार्जेस कि इस यहाँ पे चार्ज जो वो ज़्यादा डिवेल्प हो रहा है, लेकिन अगर आपको कम अमाउंट में चार्ज चाहिए, मींस कि कम कैपेसिटेंस का चार्ज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है इस तरह से रोड लगी होती है, ये रोड होती है, तो इसके साथ जो है वो आप लोग इन प्लेट्स को जो वो रोटेट से करवा सकते हैं। जो रोटेट या प्लेट होती है वो रोड के थ्रू जो है वो रोटेट हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसकी डायग्राम बनाएं तो इस तरह अगर हम लोग इसकी डायग्राम बनाते ये हैं, ये अगर मैं इस तरह डायग्राम बनाती हूँ, ये मेरी प्लेट है और ये फिक्स प्लेट है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। लेकिन जो मेरी सेकंड प्लेट है वो मूवेबल है, तो मैं क्या करवाऊंगी, मैं उस प्लेट को जो वो रोटेट करवाऊंगी। जब मैं उस प्लेट को रोटेट करवाऊंगी तो वो इस तरह से रोटेट होके इस तरह से आ जाएगी, तो क्या होगा, इसका जो कुछ हिस्सा है वो इधर नीचे जो है वो कवर होगा, इस प्लेट के पीछे जो इसका रिमेनिंग हिस्सा जो है वो रिमेनिंग पार्ट जो है इस प्लेट का वो इस प्लेट के पीछे आके ये इसके हैं। अब ये जो प्लेट का हिस्सा और इस प्लेट का जो ये है, यहाँ पे चार्ज जो है वो डिवेल्प नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। लेकिन ये जो प्लेट है यहाँ पे चार्ज डिवेल्प होगा और इसके पीछे जो है इस प्लेट का जो हिस्सा वहाँ पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प होगा। ये प्लेट और इसके पीछे जो ये दूसरे किस तरह से सीरीज में है, इसलिए क्या होगा, इंडक्शन की वजह से जो इसके ऊपर पीछे वाली प्लेट के ऊपर इसके ऑपोजिट चार्ज डिवेल्प हो जाएगा। अगर हम लोग ने इस प्लेट को ये फिक्स प्लेट को वोल्टेज प्रोवाइड किया, पॉजिटिव जो है वो टर्मिनल इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसे हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हुआ है, तो जो पिछली प्लेट
क्योंकि उसके ऊपर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के ऊपर जो है वो चार्ज डिवेल्प होगा, चार्ज जो है वो डिवेल्प होगा, इस पर चार्ज डिवेल्प तो हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हम लोग ने चार्ज डिवेल्प कर ले, इसका मतलब ये है कि हम लोग को रोटेट टेबल प्लेट की रोटेशन के थ्रू जो वो चार्ज की अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स हम लोग कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस हैं उसको हम लोग जो वो ड्यूरिंग साइकिल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारी टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसको स्टडी करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसमें क्या होता है, इसमें जो वो हम लोग चार्ज डिवेल्प करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों का डाई इलेक्ट्रिक जो है वो हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो है वो हम लोग को क्या कर, फॉर एग्जांपल हम लोग ये मेटेलिक फॉइल ले लेते हैं, ये हम लोगों की मेटेलिक फॉइल है, मेटेलिक फॉइल है। अब ये मेटेलिक फॉइल इट मीन्स कि ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है मीन्स रोटेटेबल है, ये रोटेट हो सकती है या मूव हो सकती है, मूवेबल है। आप लोग इसे रोटेट करवा सकते हैं या मूव कर सकते हैं, या आप लोग इसे रोल कर सकते हैं, ये रोल एबल है, फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब ये रोल एबल है। अब आप क्या करेंगे, आप लोग इसके ऊपर जो वो डाइलेक्ट्रिक जो का सोल्यूशन लगा देंगे, डाइलेक्ट्रिक का जो सोल्यूशन है वो आप लोग इसके ऊपर लगा देंगे। तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि मैक्सिमम चार्ज को जो वो स्टोर कर सकता है। इसके थ्रू क्या होता है, मैक्सिमम जो आप लोगों का चार्ज है वो स्टोर हो सकता है। तो क्या होता है, जब आप लोग डाइलेक्ट्रिक निकाल देते तो आप इस ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जब आप लोग इसके ऊपर लगाते हैं तो वो ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है। तो क्या होता है, आप लोग इस मेटेलिक फॉइल को जो वो रोल कर सकते हैं, जब आप लोग इसे रोल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शेप जो है वो बन जाती है इसकी, ये जो गोल गोल है ये टर्न्स है, ये शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस मेटेलिक फॉइल को जो वो रोल कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी जो मेटेलिक फॉइल है, ये हमारी मेटेलिक फॉइल है, हम लोगों ने इसको रोल कर दिया। अब हम लोग इसे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे चार्ज डिवेल्प करने के लिए। ओबियसली खुद से तो चार्ज डिवेल्प नहीं होगा, जब हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, और जब वोल्टेज प्रोवाइड करने से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, आइंस बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के आइंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो आइंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आइंस के अंदर बेसिकली चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप ये चार्जेस जो है ये फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे जब चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स के लिए बनना शुरू हो जाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड्स की लेयर बनने की। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर, ये बेसिकली क्या किसके तो ये बेसिकली क्या करती है, इसका बेसिक काम है ये एज अ डाई इलेक्ट्रिक एक्ट करती है, डाई इलेक्ट्रिक जो है वो एक्ट करती है। मेटेलिक ऑक्साइड की जो लेयर बनी है चार्जेस की फ्लो की वजह से, ये एज अ डाई इलेक्ट्रिक एक्ट करेगी। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की वजह से क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, हमारे आइंस बनेंगे और आइंस के अंदर चार्जेस होंगे, और ये चार्जेस जब मूव करेंगे तो ये मेटेलिक फॉइल के साथ रिएक्ट करेंगे, ये चार्जेस मेटेलिक फॉइल के साथ रिएक्ट करेंगे, जब ये मेटेलिक फॉइल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर बनेगी ये बहुत ही ज़्यादा थिन होगी, मेटेलिक ऑक्साइड के लिए बहुत ही थिन होगी ये, क्योंकि एज अ डाइलेक्ट्रिक एक्ट कर रही है, इसलिए अब जो इनके ऊपर चार्ज डिवेल्प होगा ये बहुत ज़्यादा होगा,
मैक्सिमम चार्ज जो है वो डिवेल्प होगा, मैक्सिमम चार्ज जो है वो डिवेल्प होगा। हम लोगों ने कहा था जितना डाइलेक्ट्रिक जो है वो थिन होता है उतना ज़्यादा चार्ज जो है वो डिवेल्प होता है। और ये क्योंकि मटेरियल उसाई की लेयर है, ये बहुत ही बारीक सी थिन सी लेयर होती है, इसलिए जो वो मैक्सिमम चार्ज जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से इसके थ्रू जो वो हम लोग मैक्सिमम जो है वो चार्ज जो है वो डिवेल्प करते हैं या स्टोर करते हैं कैपेसिटर्स के अंदर। तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पे हम लोगों को कैपेसिटर चेंज करनी होती है वहाँ पे हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर से यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम चार्ज जो है वो रिक्वायर होता है वहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।